जिला अस्पताल में बुधवार को जिला स्तरीय 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के मरीजों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लिया है। सुबह 10 बजे सांसद गजेंद्र पटेल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में शुभारंभ किया। CMHO दौलत सिंह चौहान ने बताया कि शिविर में ब्लॉक स्तर पर चयनित मरीजों को भी बुलाया गया, जिसकी विशेषज्ञों की जांच कर उचित परामर्श दिया गया। जिन मरीजों को रेफर या ऑपरेशन की आवश्यकता थी, उन्हें अस्पताल की मदद के उपचार के लिए रेफर किया गया। देर शाम तक सैकड़ों मरीजों ने अपनी जांच कराई है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। DNN का काफी लोगों को फायदा मिला, किस प्रकार से? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। पूरे देश भर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो, लोगों की बीमारियां चिन्हित हो, उनका इलाज प्रॉपर मिल पाए, इसके लिए पूरे देश भर में और हर क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर पहले स्वास्थ्य मेले लगाए गए। अब ये आज का जो मेला है ये खरगोन जिला मुख्यालय पर है, क्योंकि हर ब्लॉक से जो पेशेंट चिन्हित किए गए हैं, जो इनका इलाज ब्लॉक पर हो सकता है उनका इलाज ब्लॉक में किया गया, जिनका इलाज यहाँ पर हो सकता है मुख्यालय पर उनका यहाँ करेंगे, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, और जिनका इलाज इंदौर या अन्य जगह पर हो सकता है ऐसे पेशेंट को चिन्हित करके उनको अन्य जगह भेजा जाए। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ये सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में और इसलिए अमृत काल में ये अभियान चल रहा है। निश्चित तौर पर लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने का सरकार काम कर रही है। हमने 2 दिवसीय जो जिला स्तरीय शिविर स्वास्थ्य मेला जो लगा हुआ है, इसमें हमारे जो ब्लॉक में जो मेले लगे थे उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड जो केस थे, जो रेफर किए हैं उनका भी ट्रीटमेंट होगा, और जो नए जो मरीज अभी आएंगे उनका भी इलाज होगा, जो लोगों के विशेषज्ञों के द्वारा होगा। इसमें सभी फैकल्टी के विशेषज्ञ आए हैं, किडनी के आए हैं, लीवर के, सर्जिकल, मेडिकल, नेत्र रोग वाले, दांत वाले, सभी विशेषज्ञ आए हैं, मानसिक वाले आए हैं, वो सभी जो रिफर यहाँ से होते हैं उनका ट्रीटमेंट यही करेंगे। वो कोई सर्जरी की वजह से यहाँ नहीं हो रही, वो इंदौर में भी होती है तो इंदौर में उसका नवजात जो विकृति जो रहती है वो उनका भी जो स्क्रीनिंग जो अपन हमारे ब्लॉक में जो RBS के जो डॉक्टर जो स्क्रीनिंग करते हैं उनके पेशेंट भी आएंगे, उनकी यदि कोई सर्जरी वाला होगा तो सर्जरी वाला जो डॉक्टर देखते हैं उसको सर्जरी के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पर इलाज माना जाए कि जो ओपीडी हो रही है सब फ्री हो रही है, लेकिन जब यहाँ पर सर्जरी के लिए फॉरवर्ड किया जाता है क्या वो भी निःशुल्क रहेंगे? वो भी निःशुल्क रहेंगे, जो यहाँ से जो आएंगे वो एक RBST की जो टीम रहती है, जो चुनाव वाले जैसे बच्चों के छोटे बच्चों का मोतिया रहता है उसका निःशुल्क इलाज होता है, ये कटे पिटे गोट और तालू जो रहती है उनका भी निःशुल्क इलाज होता है, हाथ वगैरह जो है ये भी ठीक हो रहे थे उसका भी निःशुल्क होता है, बाकी डिपोसी जो चमड़ी डिपोसी के कारण जो है जो गुड़ जाती है उसका रिकस्ट का सर्जरी भी अपने यही फ्री में सर्जरी यहाँ पे सनावत में रिकस्ट की सर्जरी होती है वो भी दे सकते हैं। सर आपने ये देखा तो जिले में कहीं ब्लड की कमी की बात सामने जिला सरकार है, क्या उसके लिए यहाँ पर विशेष कैंप लगाया गया है? उसके लिए इसमें अभी हमारे पास 2 महीने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, अभी कैंप लगा नहीं पाए थे, कर्फ्यू भी था इसलिए हम कई जगह कैंप के लिए लगा पाए, इसलिए हमें थोड़ी कमी हो गई थी, तो कुछ कमी के लिए हमने इंदौर से लगाया। अभी कहा जाए 44 से शुरू हुई है, हालांकि प्रशासन का कदम हो सकता है, लेकिन अभी कोई प्रक्रिया होती है अनुमति लेने की? अनुमति रहती है उसमें, तो ये तो क्या है थोड़ा स्वास्थ्य का काम है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमारे पास जैसे ये यहाँ पे अगर कोई सांप्रदायिक वाला हो तो कुछ काम नहीं, सेवा का काम है, जैसे सेवा के काम में हम इस प्रकार का पता करेगा फंक्शन हो सके तो ये तो बात थोड़ी अलग है। क्या नाम सर आप? सर आप? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।